उधर रांची में धोनी के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लखनऊ में विराट कोहली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है सड़कों पर, तो वहीं रांची में कप्तान धोनी की के घर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की इस वक्त हालत खस्ता है। टीम इंडिया अपने 6 विकेट गंवा चुकी है और सेमीफाइनल से अगर ये मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो जाहिर तौर पर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और ऐसे में लोगों की जो उम्मीद थी फिलहाल वो भी अब भारतीय बल्लेबाजी के लड़खड़ाते क्रम के चलते लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। अनुष्का शर्मा के पुतले जलाए जा रहे हैं और अनुष्का शर्मा को विराट कोहली की इस खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विराट कोहली से भी खासे गुस्सा नजर आए जो लोग थे, जो फैंस थे, तो वहीं अब रांची में कप्तान धोनी के घर की व्यवस्था को भी, सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को मौजूद तैनाती कर दी गई है। धोनी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रांची में धोनी के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो इसलिए क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त संघर्ष कर रही है मैदान पे और उसके लिए जीत की जो संभावनाएं हैं वो बेहद कम हो चुकी हैं। बावजूद इसके टीम इंडिया संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीम इंडिया के जो अब एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे हैं उससे लोगों में भी आक्रोश बना हुआ है क्योंकि उन्हें खासा उत्साह था इस पूरे मुकाबले को लेकर। लग रहा था कि टीम इंडिया लगातार जो जीत का सिलसिला है वो आज के इस मुकाबले में भी जारी रखेगी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है क्योंकि टीम इंडिया की हालत खस्ता है और फैंस में भी खासा आक्रोश बना हुआ है। तो धोनी के घर की सुरक्षा व्यवस्था को भी फिलहाल बढ़ा दिया गया है।